आप एयरबड्स यूज़ करते हैं तो हो जाएं सावधान। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, आप एयरबड्स यूज़ करते हैं तो हो जाएं सावधान, वरना आपको हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको सुनाई देना बंद हो सकता है। आपके कान में तीन पार्ट रहते हैं, आउटर ईयर, मिडिल ईयर मतलब बीच का पार्ट, और इनर ईयर जिसे हम कॉकलियर भी बोलते हैं। यही कॉकलियर मतलब इनर ईयर में छोटे छोटे से हेयर सेल्स रहते हैं। इनर ईयर के अंदर फ्लूइड फिल स्ट्रक्चर रहता है। आप हेयर बड्स यूज करते हैं और बहुत तेज साउंड सुनते हैं, जिसके कारण से इनर ईयर के जो हेयर सेल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं। डैमेज हो जाने के कारण आपके कान में सुनना कम हो जाता है, आपको हेयर लॉस की प्रॉब्लम होने लगती है। हेयर लॉस की प्रॉब्लम तब पता चलता है जब बहुत अधिक मात्रा में आपके हेयर जो सेल्स हैं डैमेज हो गए हों और आपको सुनना धीरे धीरे करके बंद होने लगा हो, तब आपको समझ में आता है ईयरबड्स के नुकसान। जब भी आप ईयरबड्स यूज़ करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव रहती है वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है आपके दिमाग को, जिसके कारण से आपको माइंड की भी बीमारी हो सकती है और आप बहरे तो होंगे ही, साथ में आपको कान से फ्लूड निकल सकता है। इस फ्लूड का कलर अलग अलग भी हो सकता है, आपके कान में बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है। जब भी आप ईयरबड्स यूज़ करते हैं, कहीं जा रहे हैं, रास्ते में गाड़ी चला रहे हैं, तो अपनी सुविधा के लिए आप ईयरबड्स यूज़ करते हैं, या फिर आप घर पे लेटे हैं तो भी आप ईयरबड्स यूज़ करते हैं, या फिर आपको कुछ काम करना है तो आप कंप्यूटर में बैठे बैठे ईयरबड्स यूज़ करते हैं, या फिर आप गाने सुनते हैं, इस तरह से आप ईयरबड्स का यूज़ बहुत सारे कामों के लिए करते हैं। ईयरबड्स के अगर फ़ायदे हैं तो नुकसान भी हैं। अगर आपको कोई काम बन रहा है, अगर आप इसे 60% से ज़्यादा सुनते हैं साउंड में, तो ये आपके कान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। ईयरबड्स यूज़ करते हैं तो अपना ईयरबड्स किसी से शेयर बिल्कुल ना करें, हो सकता है कि आपको फंगल इन्फेक्शन हो जाए। अगर उस व्यक्ति को फंगल इन्फेक्शन है ईयर में, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ईयर में, तो बहुत ही सावधानी के साथ आप ईयरबड्स यूज़ करें। जब भी आप ईयरबड्स यूज़ करते हैं तो आप अपने ईयर के साइज़ का ईयरबड यूज़ करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी सी बातें आपको बहुत ही नोटिस करना पड़ेगा, वरना आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, आपको सुनने में बहुत अधिक मात्राएं प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ईयरबड्स का यूज़ 90% लोग यूज़ करते हैं, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपको ये जानकारी रहना। आपके कान में खुजली हो रही है, दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, फ्लूड निकल रहा है, तो इसके लिए मेडिसिन है, बिल्कुल आप ठीक हो सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है, आपकी ये सारी सिम्टम्स को कवर करने में, ठीक करने में हेल्प करेगी। लेकिन आपको सुनने में दिक्कत हो तो इसके लिए आपको काफ़ी लॉन्ग ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, और लॉन्ग ट्रीटमेंट आप जब भी लेंगे तो हो सकता है कि आपको काफ़ी टाइम लग जाएंगे, आपको सुनना बंद हो गया है तो उसको ठीक होने में भी टाइम लगेगा। इसलिए मेरी यही एडवाइस है कि जब भी आप ईयरबड्स यूज़ करते हैं तो बहुत सावधानी के साथ यूज़ करें। आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।